असलम डर स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए तो आज के इस वीडियो में चलो हम लोग पास पेपर एम सी डिस्कस करेंगे फ्राम चैप्टर नंबर ट्वेल फिफ एब दर्कुलेशन एम सी क्यू नंबर थ्री सिक्सटी में कहते हैं इंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन तो यार हमारे पास जो एम्फेबियंस होते हैं उसमें हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एम सी क्यू थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन में कहता है मेजर इज़ आल्सो नोन एज तो उसे कॉलीज एनिगा भी कहते हैं ठीक है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट अच्छा इसमें से आप लोगों ने जस्ट कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं बहुत कम टॉपिक्स हैं ठीक है इस चैप्टर में से तो फिर उस लिहाज से इसके एम सीक्विज भी कम ही है थ्री सिक्सटी टू में कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड तो बाई का स्पीड वॉल्व होता है ठीक है अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे पास ट्राई का स्पीड वाल्व कहाँ पर होता है वाल्व वहाँ पर है सेमिलुलर वाल्व कहाँ पर है अगर आप लोग ये चीज़ें देखते हैं तो आप लोगों के पास पेपर सॉल्व करने का मकसद पूरा हो जाता है ठीक है नेक्स्ट कहते हैं द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल तो वो ट्राइक स्पीड होता है ठीक है राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल्स के दरमियान तो होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट लार्जर लिम्फेटिक डक्ट इज द तो लार्जेस्ट लिम्फ सॉरी लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ठीक है ऑप्शन बी इज कुरेक्ट द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन कैपिलरीज इज सेवन माइक्रोन्स अब देखो अब यहाँ सिर्फ कैपिलरीज का डायमीटर आप लोगों ने नहीं जान में रखना आप लोगों ने बुक देखनी है वहाँ पर आप लोगों को आर्टरीज और विन्स का भी डायमीटर पता होना चाहिए ठीक है ये इस तरह से जो है वो पास पेपर सॉल्व किए जाते हैं थ्री सिक्सटी सिक्स में कहते हैं द एंटरवल दीस मेकर्स सिग्नल फ्राम एस ए नोड टू एवी नोड इज तो वो जीरो पॉइंट वन सेकेंड होता है ऑप्शन बी इज को रैक्ट विच आर दाल्विंग चैम्बल ठीक है तो आप लोगों के पास जो आ, वो होता है क्रोकोडाइल ठीक है उसके चार चैम्बर्स होते हैं हर्ट के ह्यूमंस के भी चार होते हैं ठीक है अब आप लोगों का काम ये बनता है कि आपको लेजर्ट का पता हो टर्टल का पता हो फ्रॉक फ्रॉक का पता हो कि इसमें हमारे पास इनके हर्ट्स के कितने चैम्बर्स होते हैं ठीक हो गया आ, नेक्स्ट कहते हैं इन फिश द हर्ट पम्प तो हमारे पास फिशज़ में हमारे पास हर्ट क्या करता है वो इमप्योर ब्लड को जो है वो गिल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट uh, कर रहा होता है ठीक है ऑप्शन डी इज कुरेक्ट ये नेक्स्ट कहते हैं रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर वाइट वाइट ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन तो हमारे पास इन साइड द वेरियस सेल्स ऑफ बॉडी में जो है वो डिस्ट्रॉय uh, होते हैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती ठीक है ऑप्शन सी इज़ कुरेक्ट हाँ नेक्स्ट में कहते हैं टू चैम्बर्स हर इज़ फाउंड इन तो आप लोगों के पास जो फिशज होती हैं उनमें टू चैम्बर्स हर्ट होता है क्रोकोडाइल का हम लोग पहले देखो ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं क्रोकोडाइल में हमारे पास कितने होते हैं चार होते हैं तो आप लोग यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो उसने सेम एम सी को थोड़ा चेंज करके दिया हुआ है तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि कम से कम और कुछ नहीं तो ऑप्शन में जो आप लोगों लोगों लो, लो के पास जो जो एनिमल्स गिवन है आप लोगों को कम से कम उनको भी पता चल जाए ना कि लाइक इनके कितने चैम्बर्स होते हैं तो दिस इज़ मोर देन एनअफ़ ठीक है आप देख सकते हो पहले जो है वो किसी टेस्ट में उसने जो है वो फोर फो चैम्बर्स का पूछा था जो कि हम लोगों ने क्रोकोडाइल टिक किया था तो अभी वो फिश का पूछ रहा है तो लाइक इस तरह से क्या पता नेक्स्ट टाइम वो आप लोगों से जो है वो लिपर्ड का पूछ ले ठीक है लेजर्ड का पूछ ले ठीक है तो ये चीज़ आप लोग जो है वो लाजमी देखा करें नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोसेस एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ग्राफर आप लोगों के पास उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का आपको पता हो मैन से हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अब आप लोगों का काम ये बनता है कि आप लोग अमीबा और अर्थफाम का भी अपने पास सर्च करके लिख के रखें कि इनमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है तो इस ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट होता है पम्पिंग डेंसर ब्लड काज इज द हर्ट टू बी स्ट्रेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बैलेंस्ड एट्रीब्यूटेड इन द बॉडी सॉरी डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी वट इज़ द काज ऑफ दिज प्रॉब्लम तो बेसिकली डिहाइड्रेशन जो है वो मेन उनकी काज होती है रीजन होती है ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट डिहाइड्रेशन नेक्स्ट में कहते हैं द ब्लड फ्लो इन मिली पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टू द स्किन इज तो वो नाइनटीन हंड्रेड मिली लीटर हमारे पास जो है वो uh, होती है स्किन में ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो अब यहाँ से यार आप लोगों को ये चार्ट बुक में गिवन है ठीक है ये ऑलरेडी क्विक रिविजन सीरीज़ में मैंने एक्सप्लेन भी की अगर आप लोगों ने क्विक रिविजन सीरीज है वो फॉलो नहीं की तो आप लोग को भी कर सकते हो ठीक है सेम चैनल पर आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी ठीक है आप लोग विद इन विद इन थर्टी मिनट्स आप लोग पूरे चैप्टर को जो है वो क्विकली रिवाइज़ कर सकते हो और आई थिंक वो रिवाइज़ करने का सबसे बेस्ट वे है देखो समाइम्स स्टूडेंट्स का जो है वो दिल नहीं कर रहा था रीडिंग करने का पढ़ने का मोबाइल तो हर बंदा यूज़ करता है तो आप लोग जब सिंपल हेडफोन्स लो और उसको जो है वो लगा लो आधे घंटे में आप लोग फेसबुक यूज़ करने के बजाय अगर वो लेक्चर सुन लो तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ठीक है और मैं तो आप लोगों से ये भी सजेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग कोशिश करो कि पहले वो क्विक रिवीजन लेक्चर सुन लिया करो स्पेसिफिक चैप्टर का उसके बाद जब आप लोग ये एम सी क्यूज़ सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी एम सी क्यूज़ को समझने में क्योंकि जब चैप्टर आप लोगों का क्लियर नहीं होगा आप लोग जस्ट सिंपल एम सी क्यूज़ करोगे तो वो आप लोगों को सारे एम सी क्यूज समझ नहीं आएंगे ये सारे एम आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठेंगे जब तक आप लोगों ने खुद उस चैप्टर को पढ़ा ना हुआ ठीक है अगर आप लोग नहीं भी पढ़ाऊँ तो आप लोग जस्ट वो क्विक रिवीजन लेक्चर जो है वो देख लिया करो और उसके बाद ये अगर एम की वीडियो देख लिया करो तो आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है ये बात मैंने पहले बताई थी कि ठीक है आप लोगों के पास बायोलॉजी के देखो 68 एट एम हैं अगर आप लोग 68 के 68 ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम 60 प्लस तो ठीक करो ठीक है तो इन एंड डेट आप लोग जो है वो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो कोई क्वेश्चन को है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो थैंक यू